गरीबों को मिले पर्यावरण अनुकूल घर। एसपी ने कराया गृह प्रवेश। राजनगर तहसील की ग्राम पंचायत पाटन अंतर्गत पाटन पूर्वा आदर्श ग्रामीण विकास योजना के तहत पर्यावरण के अनुकूल बने हुए 3 घरों का गृह प्रवेश एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छतरपुर एसपी अमित सांगी ने गरीबों को नए घरों में गृह प्रवेश कराया। छतरपुर एसपी द्वारा पाटन में एनजीओ के 3.50 एकड़ में फैले हुए प्रोटोटाइप हाउस और पर्यावरण के अनुकूल ईंटें बनाने वाली मशीन का भी अवलोकन किया गया। उन्होंने गरीबों के लिए बनाए गए मकान की सराहना की तथा हितग्राहियों को बधाई दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पाटन की सरपंच मुकेश शुक्ला, फाउंडेशन की कर्मचारी पूर्व सरपंच राजू शुक्ला, चौकी प्रभारी बमीठा थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं समाजसेवी मौजूद रहे। चंदन नगर पुलिस चौकी का मौका मायना किया। रवि कुमार गुप्ता, बुंदेली न्यूज, राजनगर ब्लॉक। और इन लोगों का, गरीबों का जो खपरेल मकान है उनको पक्की छत का आशियाना देने का उद्देश्य है। और इसमें जो ये मकान बना के दे रहे हैं ये अपन कोई शहर के नमूना पे नहीं, ये गांव किस तरीके से बनते थे उस तरीके से गांव के अनुसार ये बना रहे हैं। अच्छा, इसमें जी बताइए जो हितग्राही है उसका किस आधार पर चयन किया जाता है, किसका मकान पहले बनेगा किसके बाद में? हितग्राही का चयन इसलिए किया है, जो हितग्राही के पास है रहने के लिए आवास नहीं है। सर्वप्रथम जैसे हमारे हरदास रेकवार के पास आवास 2005 बाढ़ में गिर गया था, उस समय से वो बरसाती के नीचे जीवन यापन कर रहा था। और एक विकलांग मिंजू रेकवार, तो ऐसे परिवारों का चयन किया गया था जो भूमिहीन है, गरीब हैं और अपना मकान बनाने में सक्षम नहीं है।